अगर कोई फेमस नेम आ जाए ना स्टूडेंट्स, गंगा, यमुना, तो उसके आगे भी हम PHE ध ऐड करेंगे, ओके? ध इज यूज बिफोर नेम्स ऑफ फेमस बिल्डिंग, एग्जांपल ताजमहल एंड रेड फोर्ट। आया ना, देखो कोई भी बिल्डिंग को बड़ी बड़ी, ताजमहल कितना बड़ा है, सब लोग टूरिस्ट वहां पे आते हैं देखने के लिए, तो वे फेमस प्लेस है ये सब। तो अगर हम ताजमहल बोलेंगे तो ए ताजमहल नहीं आएगा, ठीक है? क्या बोलेंगे हम? ध ताजमहल, नॉट ए। ताजमहल में टी जो है ना वो वोवेल्स नहीं है, कॉन्सोनेंट है, तो हम ए ताजमहल नहीं बोल सकते। ताजमहल में बोलेंगे ध ताजमहल। वाई? क्योंकि वो एक फेमस बिल्डिंग है, ये सो ना फेमस प्लेस है वो, ठीक है? ध इज ऑल्सो यूज बिफोर नेम्स ऑफ थिंग्स दैट आर ओनली वन ऑफ देयर काइंड, एग्जाम्पल द सन, द मून एंड द अर्थ। यस, हम ऐसी चीज, ऐसे थिंग्स में भी हम ऐसे नेम्स के बिफोर हम ध ऐड करेंगे जो सिर्फ एक ही हो। फॉर एग्जाम्पल सन, मून, अर्थ। अर्थ कितने हैं? ओनली वन। सन थोड़ी ना हर गांव में सन निकलता है, के ओनली वन सन, और वो पूरे वर्ल्ड को रोशनी देता है, ये सुन ना, है ना? सिर्फ वन है वो, यूनिक है वो, यूनिक। मून, चांद तो एक ही होता है, मून, ये सुन ना, हम कहीं भी जाए, कोई भी प्लेस पे जाए, बट मून तो एक ही होता है, ये सुन ना। तो ऐसा कोई भी अर्थ, मून या फिर ऐसा कुछ है ना, तो स्काई है, स्काई, द स्काई, नॉट ए स्काई। स्काई एक ही होता है सबके लिए, ऐसा नहीं बोल सकते कि ये पार्ट मेरा है स्काई का, वो पार्ट मेरा है स्काई का, नो, नॉट एट ऑल, ओके? तो उसके उस नेम के पहले हम लगाएंगे PHE ध, याद रखना ये सब कुछ, ओके? नाउ वी विल डू एक्टिविटी बी। यूज ए एंड और ध टू फिल इन द ब्लैंक्स। अभी ए और एंड में हमें ध भी ऐड करना है, ओके? ये ब्लैंक्स कंप्लीट करने के लिए। फर्स्ट वन, आई बॉट डैश अम्ब्रेला। अम्ब्रेला का फर्स्ट लेटर है यू, ए ई आई ओ यू, बॉयज, ऐसा ना, तो एन आएगा। आई बॉट एन अम्ब्रेला, डैश अम्ब्रेला इज बी, डैश यानी कि वापस अम्ब्रेला वर्ड यूज हुआ, तो द अम्ब्रेला इज बी, वो वर्ड वापस रिपीट हुआ अम्ब्रेला, तो क्या लगाएंगे हम? ध, ओके? डैश बस कम्स डाउन द रोड, बस में बी है, बी क्या है, वॉयस है, कॉन्सोनेंट, ए ई आई ओ यू नहीं है, इसका मतलब कि ये कॉन्सोनेंट है, तो हम ए बस, ए बस कम्स डाउन द अर्थ, डैश गर्ल इज वेटिंग एट द बस, ए गर्ल, ए गर्ल इज वेटिंग एट द बस स्टॉप, डैश गर्ल गेट्स इनटू डैश बस। अभी गर्ल एंड बस वर्ड रिपीट हुआ, ये रही गर्ल और ये रहा बस, ये दोनों वर्ड रिपीट है, तो दोनों में हम क्या ऐड करेंगे उसके वर्ड के पहले? THE, ध। द गर्ल गेट्स इनटू द बस, डन। नंबर थर्ड सेंटेंस, वी लिव ऑन डैश अर्थ। अभी बताया था अर्थ कितने हैं? ओनली वन, यस और नो, यूनिक, तो क्या आएगा? THE, ध अर्थ, वी लिव ऑन द अर्थ, डन। हरी गिव्स डैश रोज टू हिज मदर, डैश रोज इज रेड। यहाँ पे डैश के बाद रोज है नेमिंग वर्ड में, तो आर आ गया, रोज में फर्स्ट लेटर है आर, तो आर इज अ कॉन्सोनेंट और वोवेल, नो इट इज अ कॉन्सोनेंट, ए ई आई ओ यू नहीं है, आर है आर, तो ए रोज। हरी गिव्स अ रोज टू हिज मदर, डैश रोज इज रेड, रोज वापस रिपीट हुआ, तो ध रोज इज रेड, यहाँ पे ध आएगा, ओके? डैश रैबिट फाउंड डैश कैरेट इज फ्रेश, डैश फाउंड डैश रैबिट फाउंड, अ रैबिट फाउंड डैश कैरेट, अ कैरेट, क्योंकि रैबिट में आर है और कैरेट में सी है, दोनों ही क्या है?
अभी मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में. ओके स्टूडेंट.